ये बे औलाद है, इनको बच्चे बिच्चे कोई नहीं है, इनको औरतों से कुछ देना, माँ बहनों से कुछ देना नहीं है। ये खाली हमारे देश का नक्शा बदलना चाहते है और लास्ट में मनुस्मृति लाना चाहते है, क्योंकि ये जो भागवत जी बैठे है नागपुर में, आपको पता होगा वो सरकार चलाते है, वो देश चलाते है, लेकिन वो चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, कैसे सरकार? यही तो बात है ना, वो चुनाव में आगे आते नहीं है, लेकिन दिल्ली में आके आपके बड़े मस्जिद में जाके बोलते है कि मुस्लिमों का जो खून है वो खून हमारा है, उनका डीएनए हमारा एक है। और ये सच बात है, जब देश के अंदर जब ये आए थे, ये अफगानिस्तान से आए थे, ये आरएसएस वाले जो ब्राह्मण है ना, ये अफगानिस्तान से आए थे, इनका और मुस्लिम का डीएनए एक ही हो सकता है। ये मोदी सरकार का निषेध करते हैं, हम ओबीसी की तरफ से पूरा निषेध करते हैं, एससी की तरफ से पूरा निषेध करते हैं, क्योंकि ये जो देश के अंदर हो रहा है ये 2014 के बाद हुआ है, ये संविधान को दबाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर इल्जाम लगा रही है कि उनके जाने से हिंसा भड़की है, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में कह रही है। ये लाल लिपस्टिक लगाने वाले जो है, ये 14 से इस सरकार में जो आए हैं, जो गठबंधन उन्होंने किया है, ये लाल लिपस्टिक लगाने वाले पे नाके पे खड़े रहने वाले लोगों का है, इसीलिए स्मृति ईरानी को कोई हक नहीं है जो नेहरू खानदान के ऊपर, इंदिरा जी के खानदान के ऊपर, या राहुल जी राजू जी के खानदान, सोनिया गांधी के ऊपर टीका टिप्पणी करे। कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में भी तो घटनाएं हो रही है, वहां का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई जनता ने आपके ऊपर जो सरकार के लिए 2014 में जो विश्वास दिया था, क्यों दिया था? अगर कुछ देश में अलग होता है तो भाई आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने देश के अंदर 14 से आज तक खाली राजनीति 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 किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर आए थे, अरे भाई इन्होंने तो देश में नारा खाली लेके आए, इन्होंने तो देश के बेटी को भगाओ, देश बेटी पढ़ाओ नहीं, देश ही भगाओ का नारा दिया है। आज मोदी का एजुकेशन क्या है? हमारे कांग्रेस 70 साल से काम कर रही थी, वाजपेयी जी काम कर रहे थे, अडवाणी जी काम कर रहे थे, आपको समझ में आया कि देश की ये हालत नहीं थी? 2014 से आज तक 9 साल में हमारे युवाओं का बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहा गई है, जाति पाति में बांटने वाले और गाय का गोबर और गोमूत्र को पिलाने वाले जो मैं आपको एक बात सवाल आपको करता हूँ कि जो गाय के पेट के अंदर 33 करोड़ भगवान है, 33 करोड़ भगवान जो भट हमको ब्राह्मण बोलता है, तो ये गाय ये ब्राह्मण के दरवाजे पे होना चाहिए, जो हमारे नहीं है, क्योंकि गाय का गोमूत्र गोबर हम खाए और दूध और दही ये लोग खाए। ये जो गलत देश में हो रहा है ये बहुत ही गलत है। भगवान एक संकल्पना है, परमेश्वर है, लेकिन वो एक संकल्पना है। सर भाजपा कह रही है आदिवासी समाज का सम्मान, देखिए राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से बना दिया है, अमृतकाल की बात कही जाती है, लेकिन घटनाएं ऐसी आती है, मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर एक ब्राह्मण पेशाब करता है, मणिपुर में निर्वस्त करके औरतों को घुमाया जाता है, तो दरअसल देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को इस देश में खाली मनुस्मृति लाना है। अच्छा, जो मनुस्मृति हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाई है आज वो हमारे दिल से गई चुकी है, लेकिन इनको वापस इस देश के अंदर, जो कि देश के अंदर 2.5% ब्राह्मण है, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण है वो देश को चला रहे हैं, और जो पढ़े लिखे ब्राह्मण नहीं है वो हमको 87% बहुजनों को चला रही है। हम आज जो मणिपुर में हुआ है वो इसके पहले जो आपने अभी सवाल किया है कि एक आदिवासी के मुंह पे एक पेशाब करता है, क्यों कर रहा है, उसकी ताकत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे लोगों को आज हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक दी है, आज मोदी ने हमारे कंधे बहुजनों के कंधों पे, आज जो हमारा तरुण बेकार है उसके पास नौकरियां नहीं है, इसीलिए वो बैगावे में आ चुका है। लेकिन अगर 2024 के इलेक्शन में अगर हम सुधर नहीं जाते, हमारा दिमाग का उपयोग नहीं करते, तो ये हमारे मुंह को गाड़गा बोलते ना मड़का और कमर को झाड़ू बांधने वाले हैं। तो क्या 2024 में इन घटनाओं का असर पड़ेगा चुनाव पर? जरूर पड़ेगा। आज 2014 से लेके 2019 तक हम लोग देख रहे थे, हमारा तरुण हमारी तरुणी कॉलेज के बच्चे देख रहे थे, हमारे शेतकरी देख रहे थे कि भाई ये सरकार हमारे कुछ कर सकती है, लेकिन आज 19 से लेके 23 तक हमको पता चला है इनको खाली एक ही काम करना है, इनको मनुस्मृति लाना है। इनका जन्म जो है जनसंघ पैदाइश है ये 1927 में हुआ था और इनको वो आज तक उनके दिमाग में था, जो हमारे बच्चे उनको बिगाड़ा जा रहा है और वहाँ इनको हमारे ऊपर बिगाड़ने के बाद राज करना है। गोवरकर ने भी वही बोला था, आरएसएस का वो कहना ही है कि इस देश की जनता को रस्ते पे लाओ, ये ग्रासरूट की जनता है पूरे रस्ते पे लाना चाहिए और उसके बाद ये 50 साल राज करने वाले हैं।
मनु स्मृति की आप बात कर रहे हैं कि संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है भाजपा की? संविधान बदलने की कोशिश करेंगे ताकि इनके पास 303 खासदार रहे, लेकिन 29 स्टेट में जब तक इनके सीएम बनते नहीं, इनका राज आता नहीं, तब तक संविधान किसी का बाप भी नहीं बदल सकता है। संविधान का ये ढांचा जो है, जो फ्रेम है, वो ये बदल नहीं सकते है। अंदर दो तीन बातें डाल सकते हैं, जैसा 370 हो गया है, लेकिन 371 ये क्यों नहीं किया इन्होंने? आज जो मनुष्य की बात हो रही है, ये मणिपुर की बात हो रही है, क्यों हो रही है? वहाँ का जो मिनरल है, वहाँ का जो प्लेटिनियम है, वहाँ का जो तांबा है, इन्होंने अदानी को बेचा है, अदानी के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया है। अच्छा। इसीलिए ये इन्होंने अंगार लगाई है, मैत्री और कुकी में अंगार लगाई है, और मैत्री लोगों ने कुकी ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं उसका बार बार हम सर्व पब्लिक बहुजन समाज हो, जो भी जनता का वो निषेध ही करेगी, और 2024 में इनको साफ इनका रास्ता बताएगी। कह रहे हैं आरक्षण की वजह से लड़ाई हो रही है वहाँ पर, आप कह रहे हैं जमीन का मुद्दा है? ये जंगल और जमीन का मुद्दा है, ये नौकरी का मुद्दा नहीं है। अच्छा। ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ये आरक्षण के मुद्दे ये हमको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण तो इन्होंने निकाला है। इन्होंने आज तक 32 कंपनियां बेची है, रेल से लेके जेल तक, आपको मालूम है रेल तक बेची है, इन्होंने एयरपोर्ट बेचा है, लेकिन इन्होंने हमारी जो नौकरी आरक्षण था वो तो हटाया है, हमको नहीं बोलते हुए हटाया है। लेकिन आज ये संसद में 169 खासदार जो है वो बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो भाजपा के खुटे पे बंधे हुए हैं, वो बात नहीं करना चाहता है, उनके मुंह के ऊपर इन्होंने बड़ा हाथ रखा है, और आज देश के अंदर जो बोलने जाएगा उसको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर बताया जाता है। मोदी जी राजस्थान में जाते हैं अनाउंसमेंट और इनॉग्रेशन कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको? आज जब वो देश से विदेश से वापस आए, विदेश से वापस आने के बाद वो खाली 36 सेकंड उन्होंने इंटरव्यू किया है पत्रकारों के साथ में, आप समझे ना, और उसके बाद वो वापस दौरे कर रहे हैं। इनको कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है, उन्हें तो पहले ही बोला है मैं झोला लेके चला जाऊंगा, ये झोले वाले की औलाद है, ये जाने एक ना एक दिन जाने वाली है। लेकिन आप जैसे जो तरुण है वो लोगों को समझना चाहिए कि देश के अंदर क्या हो रहा है, जो 1927 में करना चाहते थे, जो नेहरू जी के टाइम में करना चाहते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 770 साल मुस्लिमों ने राज्य किया है, तब उनके बर्तन मानने वाले यही थे, आरएसएस वाले थे, आप समझो भाजपा वाले थे। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए, उनके भी वही काम करने वाले थे। उसके बाद ये पेशवाई आए, संभाजी राजे साहब का जो खून हो गया, उनमें भी यही थे, यही आज तक थे, और उसके बाद अंग्रेजों की दलाली करने वाले भी यही है, और आज वो सत्ता पे बैठे हैं। कह रहे हैं सबसे बड़े देशभक्त हैं हम, राष्ट्रभक्त हैं हम, ये देशभक्त नहीं हो सकते हैं, ये कायर लोग हैं, ये लड़ भी नहीं सकते हैं, ये जमीन पे लड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जो एससी एसटी बहुजन के तरुण है, उनके कंधे पे वो बंदूक लेके देश को चला रहे हैं, इनके लड़ने की अवकाश हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक फार्मर है, आपने देखा ना ये जंतर मंतर देश के अंदर जो उन्होंने फार्मर के लिए कानून बनाए थे उनको वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि हम लोग जो है एक दाना बोते हैं तो हजारों दाना पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम एक नहीं है। लेकिन आज ये भाजपा ने, ये आरएसएस ने हमको जगा किया है, उन्होंने बता दिया कि आपको एक होना है, ये अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, और 100 साल के लिए, कि हम आज इनके वजह से, इनके करतूतों के वजह से एक हो रहे हैं। तो ये जो इंडिया जो मोर्चा बना है 2024 में एनडीए बनाम इंडिया, इसको कह रहे हैं मोदी जी की अपने कारनामे छुपाने के लिए इन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है, आतंकवादी और अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं इसकी? भाई मैं बोलता हूँ आपको, तो आप तो पत्रकार है, आप सब जानते हैं इस देश के अंदर जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तक अतिरिक्त इन्होंने ही छोड़े हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेके तभी से, आप समझे ना, ये खाली जो औलाद है, मैं तो इनको बोलता हूँ ये बे औलाद है, इनको बच्चे बिच्चे कोई नहीं है, इनको औरतों से कुछ देना, माँ बहनों से कुछ देना नहीं है, ये खाली हमारे देश का नक्शा बदलना चाहते हैं और लास्ट में मनुस्मृति लाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो भागवत जी बैठे हैं नागपुर में, आपको पता होगा वो सरकार चलाते हैं, वो देश चलाते हैं, लेकिन वो चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, कैसे सरकार चला? यही तो बात है ना, वो चुनाव में आगे आते नहीं है, लेकिन दिल्ली में आके आपके बड़े मस्जिद में जाके बोलते हैं कि मुस्लिमों का जो खून है वो खून हमारा है, उनका डीएनए हमारा एक है, और ये सच बात है,
जब देश के अंदर जब ये आए थे, ये अफगानिस्तान से आए थे, ये आरएसएस वाले जो ब्राह्मण है ना, ये अफगानिस्तान से आए थे, इनका और मुस्लिम का डीएनए एक ही हो सकता है। लेकिन आज इस देश का मुस्लिम हमारे साथ है, हम सब एक है और संविधान को मान रहे हैं सब लोग। आपका भी कर्तव्य बचता है कि इन लोगों का जो है, जो काला चिट्ठा है, वो पब्लिक के सामने लाना चाहिए। और मैं राजीव जी का, मैं आज राजीव जी का अभिनंदन करता हूँ कि चार साल मैंने जोधा से लेके 18-19 तक मैं भी सोचता था कि राजीव जी ने सोशल मीडिया लाया तो हमारे देश का क्या होगा। लेकिन आज पता चला कि इन्होंने सारी देश की मीडिया खरीदी की है। लेकिन आप जैसी है सोशल मीडिया ये जिंदगी में खरीद कर आएंगे ये आरएसएस वाले। तो एक अच्छा राजीव जी ने बोला है कि जो कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आप आज देश को आज़ादी मिलेगी वापस, वो आपकी तरफ से मिलेगी। सोशल मीडिया ही हमको आज़ादी दे सकता है।